जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा। इससे पहले की कथा में आप सुन चुके हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना आरंभ कर चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दूसरे अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान के विभिन्न स्वरूपों की धारणा तथा भगवान की भक्ति का श्री सुखदेव जी द्वारा गुणगान। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट रूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है तभी वह भगवान के चरणों में लगता है। जो मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं उन्हें वे तरनी नदी तथा नरकों के कष्टों को अवश्य भोगना पड़ता है। वे उन कष्टों से नहीं बच सकते क्योंकि वो भगवान की तरफ अपने मनुष्य जीवन में मन नहीं लगाते हैं। इसीलिए जीवन के अंत काल में उनको विभिन्न नरकों में जाना पड़ता है। जो मनुष्य संसारी मोह माया छोड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें किसी गृहस्थ के घर भोजन अथवा वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि ठाकुर जी स्वयं उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी तरीके से करवा ही देते हैं। हे राजन, जो प्राणी मानव जन्म लेकर भी भगवत भजन करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य का ध्येय पाकर अपने जीवन को खेल कूद तथा सांसारिक माया जाल में धन वैभव में संसार की वस्तुओं में बिता देता है और जगत पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता उसकी दशा वैसी ही जाननी चाहिए कि जैसे कोई ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने पर होती है। जो प्राणी मानव देह पाकर भी अपने जन्म को नहीं संभालता है उसे पहाड़ की शिखर से नीचे गिरा हुआ जानना चाहिए। ऐसा मनुष्य दोबारा 84 लाख योनियों के बाद फिर उस चोटी के निकट पहुंच सकता है। इसलिए जिसने अपना जीवन व्रता ही नष्ट कर दिया वह मनुष्य मरने के पश्चात पछताता है परंतु उस समय पश्चाताप करने से कुछ कार्य नहीं चलता है। अतः हे राजन, प्राणी के लिए उचित है कि वे अपने जीवन का समय नित्य प्रति घटता हुआ जाने। जो दिन निकल चुका है वह फिर दोबारा लौट के नहीं आने वाला। जो सांस चली गई, हे राजन, जो सांसें आज चली गई वो सांसें दोबारा नहीं आने वाली। ठाकुर जी मनुष्य को सब कुछ दे देते हैं लेकिन एक भी सांस उसको जीवन में फालतू नहीं देते हैं। जितनी सांसें ठाकुर जी ने जन्म के समय मनुष्य को दी हैं उससे एक सांस भी ज्यादा भगवान कभी नहीं देते हैं। इसलिए हर सांस का हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित को कैसी सुंदर भागवत की कथा सुना रहे हैं। उसके मन में ज्ञान के मोती भर रहे हैं, उसको वो ज्ञान दे रहे हैं, उसको वो भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो इन 7 दिनों में भगवान के चरणों में अपना मन लगा लें जिससे उनको मोक्ष मिल जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज आज मनुष्य को सावधान करते हैं कि अपनी सांसों को कभी व्यर्थ में मत गंवाना। एक सांस भी व्यर्थ गई तो बाद में पछताना पड़ेगा। हर सांस में उस ठाकुर जी को याद रखो, प्रभु को याद रखो। जीवन के कार्य तो इंसान करता ही है लेकिन भगवान की भक्ति को भी साथ करना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी मिले उससे प्रसन्न रहना चाहिए। अपना जीवन इस तरह से चलाना चाहिए कि भगवान की याद आती रहे। अपने सांसारिक कार्य इस तरह से करें कि पल पल भगवान का स्मरण बना रहे। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि प्राणी को सदैव इस बात को याद रखते हुए कि एक दिन मैंने इस संसार से चले जाना है और यहाँ से जाकर मुझे दोबारा वापस आना पड़ सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि दोबारा इस संसार सागर में ना आना पड़े। जो भगवान की भक्ति में अपना मन नहीं लगाते उनको बार बार इस मनुष्य योनि में और साथ में 84 लाख योनियों में जाना पड़ सकता है। हे राजन, जिस
तरह से बैल और ऊंट दिन भर भोजा ढोते रहते हैं और एक समय जो भी दाना पानी मिल जाए उसी को खाकर प्रसन्न रहते हुए वह यह नहीं समझते हैं कि किधर से सूर्य नारायण भगवान आते हैं और किधर को छिप जाते हैं। हे राजन, आज यही दशा भगवान के भजन से विमुख हुए मनुष्यों की जाननी चाहिए। हे राजन, यद्यपि उन परब्रह्म परमेश्वर का थोड़ा सा भी स्मरण कर लिया जाए, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की थोड़ी सी भी भक्ति कर ली जाए तो भगवान तो उसी में प्रसन्न होकर मुक्ति दे देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे कि हे राजन, वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया और मैं आपको वही सुनाऊंगा। हे राजन, आज इस बात को सत्य जान लो कि भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु हर पल याद रखो कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सत्य हैं। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं, भगवान श्री नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन करने के बाद मैंने तय कर लिया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण ब्रह्म के प्रति जब तक निष्ठा ना हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा है किंतु वह निर्गुण को ना माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। आज इस कथा में आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा के बारे में विस्तार से बताते हैं तथा कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति का पूर्ण वर्णन करते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज का मन में विशेष लक्ष्य यही है कि कैसे परीक्षित महाराज को भगवान की भक्ति की तरफ इस तरह से लगा दूं ताकि इन 7 दिनों में उसका मन कभी भी भगवान से अलग ना हो सके। धन्य है श्री परीक्षित जी महाराज कि जिनको पता है कि 7 दिन अभी जीवन के बाकी हैं, लेकिन हम कलयुग के मनुष्य को तो अपने अगले क्षण का भरोसा नहीं है कि हमारी अगली सांस निकलेगी या नहीं निकलेगी। हमें तो ये भी भरोसा नहीं है, फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन का समय मिला है और वो बड़े आराम से निश्चिंत भाव से माँ गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है यहाँ पर जिसको सुनने से आप सबको बड़ा आनंद आएगा। एक भक्त भगवान की कथा सुनने को रोज एक मंदिर में जाता था। संत महाराज से वो प्रतिदिन कथा सुनता था। तो एक दिन उस भक्त ने संत जी से कहा कि हे महाराज, आप इतनी कृपा करो कि मुझे यह बताओ कि भगवान की याद हर पल कैसे बनी रह सकती है। आप किस तरह से हर क्षण भगवान को याद रखते हो, मुझे आप यह बता दो, मुझे भी भगवान को सदा याद रखना है। तो संत महाराज ने कहा कि ये तो अपने अनुभव की बात है, आप इस राह पर चलोगे, भक्ति की राह पर आप आगे चलोगे तो भगवान की याद आपकी पल पल बढ़ती जाएगी। लेकिन वो भक्त फिर बोला कि नहीं, मुझे आज बताना पड़ेगा, वो उपाय बताना पड़ेगा कि जिससे हर क्षण भगवान की याद बनी रहे। तो संत महाराज ने सोचा कि अब इसको कुछ प्रैक्टिकल अर्थात व्यवहारिक उपाय बताना पड़ेगा। तो उन संत ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मुझे तेरे माथे की लकीरें आज बता रही हैं कि आज से 4 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। तेरे माथे की लकीरें स्पष्ट बता रही हैं कि आज से 4 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तेरे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन अब तू अपनी चिंता कर ले। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना तो वैसे ही वो दुखी हो गया और उसी समय अपने घर चला गया। घर जाकर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और पुत्रों को व्यापार के बारे में सारा कुछ बता दिया, बैंक में कितने पैसे हैं सब बता दिया, सब हिसाब किताब बता दिया और कहने लगा कि मैं 4 दिन के लिए अपने इस कमरे में जा रहा हूँ, मैं भगवान का भजन करूंगा, 4 दिन तक मुझे कोई ना बुलाए, 4 दिन के बाद तुम इस दरवाजे को खटखटा देना, अगर मैं होऊंगा तो मैं आ जाऊंगा।
पत्नी हैरान है और बच्चे परेशान हैं, लेकिन क्या करें, घर के मालिक ने कहा है, घर के स्वामी ने कहा है कि 4 दिन तक तंग नहीं करना है। आज वह व्यक्ति उस कमरे में जाता है और जाकर भगवान श्री नारायण का, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का संकीर्तन करता है, कभी कथा पढ़ता है, कभी भगवान के नाम का जाप करता है। ठाकुर जी की कृपा से 4 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन उसकी पत्नी उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाती है। वो भक्त बाहर आता है और कहता है कि 4 दिन बीत गए, तो उसकी पत्नी कहती है कि 4 दिन तो कल बीत गए, आज तो 5वां दिन भी आगे चलना शुरू हो चुका है। तो वो भक्त सोचता है कि उन संत महाराज ने कहा था कि 4 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वह उसी समय उन संत महाराज के पास जाता है, उनसे कहता है कि हे महाराज, आपने तो कहा था कि 4 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अब तो 5वां दिन भी आधा बीत चुका है, तो आपने ऐसा क्यों कहा था? तो संत महाराज कहने लगे कि तेरे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मेरे को तू ये बता कि इन 4 दिनों में तूने क्या क्या किया, क्या खाया, कौन से मिष्ठान खाए, कौन सी रोटी खाई और कहाँ कहाँ घूमा, कौन से वस्त्र पहने, कैसे कैसे जीवन में आनंद मनाया है। तो उस समय वो व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, आप आनंद की बात कर रहे हो, आप भोजन मिष्ठान की बात कर रहे हो, आप वस्त्रों की बात कर रहे हो, मैं तो एक कमरे में जाकर मैंने अपने आप को बंद कर लिया और भगवान का भजन करने लगा, क्योंकि आपने कह दिया था कि 4 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मुझे अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। मैंने इस भव सागर से पार उतरने के लिए सब कुछ अपने बीवी बच्चों को समझा कर, सब व्यापार कारोबार के बारे में अपने बीवी बच्चों को समझा कर, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और भगवान का भजन संकीर्तन करने लगा। 4 दिन बाद मेरे बीवी बच्चों ने मुझे बाहर बुलाया, आज 5वें दिन मैं आपके पास आया हूँ, इन 4 दिनों में मैंने हर्षन भगवान को याद किया है, दिन और रात भी मैंने नहीं देखी, केवल उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को याद किया है। इतनी बात सुनने के बाद वो संत महाराज कहने लगे कि हे भक्त, हे पुत्र, यही तो बात है, यही तो गहराई वाली बात है, यही तो राज वाली बात है कि मैंने तेरे को यही कहा था कि 4 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुमने इन 4 दिनों में अपने आप को भगवान में लगा लिया, इन 4 दिनों में तुमने सदा भगवान की भक्ति की, संसार में तुम्हारा मन नहीं लगा, तुमको तो मैंने 4 दिन बता दिया था, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली थी, केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने कहा था कि 4 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम इस मृत्यु के डर से सदा भगवान को याद करते रहे, तुम्हें तो मैंने 4 दिन कहे थे, तुम्हें तो पता चल गया था कि 4 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन हे भक्त, हे पुत्र, मुझे तो अपने अगली सांस का भरोसा नहीं है, मुझे तो अगली सांस का भरोसा नहीं है कि किस पल मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैं सदा डरता हूँ और भगवान को याद करता रहता हूँ, तुम्हारे लिए 4 दिन थे, तुम भगवान को याद करते रहे, तुम्हें पूरा भरोसा हो गया कि 4 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए तुमने संसार में मन नहीं लगाया, लेकिन हे पुत्र, मुझको तो अपनी अगली सांस का भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं हर क्षण उस परम पिता परमात्मा भगवान को याद रखता हूँ। तुमने पूछा था कि हर क्षण भगवान की याद कैसे रह सकती है, तो उसका उत्तर यही है कि मनुष्य अपनी मृत्यु का भरोसा न करे, कभी भी आ सकती है, वो अगले क्षण में भी हो सकती है, वो 2 दिन में भी हो सकती है, वो 2 वर्ष में भी हो सकती है, लेकिन अटल सत्य है कि मृत्यु कभी ना कभी तो होगी, इसलिए हर क्षण भगवान को याद रखो, उस भगवान को याद रखेंगे तो संसार के सारे कार्य अच्छे से होते जाएंगे और हमें भगवान भी मिल जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए मृत्यु का भय हमेशा रहना चाहिए, अगर मृत्यु का भय रहेगा तो भगवान जी की याद, ठाकुर जी की याद आएगी ही आएगी। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि लोग परमात्मा को धन दे देते हैं, किंतु परमात्मा तो मन को मांगते हैं, संसार का व्यवहार करो किंतु ईश्वर में, श्री कृष्ण में मन रख कर करो, संसार के सब व्यवहार करते समय याद रहे कि परमात्मा की याद सबसे जरूरी है, अगर अंतिम सांस में भगवान की याद ना आई तो सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा, बार बार आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति से जो आनंद आता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने की
कोशिश की, किंतु वह सागर में गई, सो गई, वो उसी में विलीन हो गई। इस तरह से ही जो ईश्वर में लीन हो गया है, उस जीव को कोई ईश्वर से अलग नहीं कर सकता। जो भगवान का भक्त बन जाता है, उसको भगवान वो आनंद देते हैं कि वो महसूस कर सकता है, लेकिन उसको बता नहीं सकता। जो आनंद उसको मिलता है, उसका आनंद पल पल बढ़ता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चे मन से की गई एक क्षण की भक्ति भी भगवान श्री कृष्ण से मिलाकर ही रहती है। सदा सच्चे मन से ही भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। कौन जाने किस क्षण में भगवान हमारी बात सुन ले, भगवान को हम पर प्यार आ जाए। जिस क्षण उस परमपिता परमात्मा को अपने भक्त के ऊपर प्यार हो जाता है, प्रेम आ जाता है, ठीक उसी क्षण उस भक्त का जीवन बदल जाता है। एक बार उन ठाकुर जी की आंखों में, उनकी नजरों में आ तो जाए भक्त, उसके बाद उस भक्त का जीवन बदल जाता है। इसलिए हर क्षण सच्चे मन से भक्ति करो। घर में बैठकर जब भी हम भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए करें, कुछ क्षण के लिए करें, लेकिन पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। सुबह उठकर जब हम भगवान का पूजन करते हैं, तो सब संसार से मोह हटाकर, घर के सभी कामों से मन को हटाकर उस समय भगवान का पूजन करना चाहिए। कुछ क्षण तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, उन कुछ क्षणों में भी अगर हम संसार को याद करेंगे, तो ठाकुर जी भी क्या सोचेंगे कि इस जीव को मैंने मनुष्य जन्म दिया है, सब कुछ दिया है, इसको अच्छा घर दिया है, फिर भी ये मेरे को याद नहीं करता। ठाकुर जी भी सोचते हैं, उनको भी दुख होता है कि मेरा भक्त मेरे को याद क्यों नहीं करता। ठाकुर जी के मन में भी ये लगन है कि ये भक्त मेरे को प्राप्त कर ले। इसलिए भगवान अपने भक्तों को बार बार कथा सुनने का, सत्संग में जाने का अवसर देते हैं। इसलिए जितने भी समय आप भक्ति करें, उतने समय में प्रभु को सच्चे मन से याद करना चाहिए। जो सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भावना से भजन पूजन करते हैं, उनकी भक्ति आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जो सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति नहीं करते, वो जितनी करते हैं उससे भी कम हो जाती है। क्योंकि ठाकुर जी अपनी भक्ति बड़ी मुश्किल से देते हैं। जिसके पास भगवान की भक्ति है, उसी का जीवन सफल है। आज श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित महाराज को निमित्त बनाकर हम सब कलयुग वासियों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि बिना वैराग्य के भक्ति रोती है, भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के साथ प्रेम मत करो, संसार की वासनाओं के साथ मत एक होना। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान की भक्ति में तो इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करके उसके बाद उस फूलों की सुगंध लो। हर काम भगवान श्री कृष्ण की सेवा भावना से करो। उन श्री कृष्ण जी के चरणों में जिसका मन हमेशा लगा रहता है, उसको जो आनंद मिलता है, उसका वर्णन शेष महेश गणेश जी नहीं कर सकते। आज श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को जिसने श्रद्धा भावना से सुन लिया, जो इस जीवन पर्यंत इस कथा में अपना मन लगाते हैं, वो तो हर क्षण हर पल में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हैं। इसलिए इस कथा से अलग नहीं होना चाहिए। हे राजा परीक्षित, तुम 7 दिनों में अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा तुम सुन रहे हो, इसको पूरी श्रद्धा भावना से सुनते रहना, क्योंकि इस कथा से बढ़कर प्रभु जी के पास भी देने लायक कुछ नहीं है। इस कथा से बढ़कर कोई अमृत नहीं है जो कि भगवान मनुष्य को दे सके। इसलिए इस कथा की ओर अपना मन लगा कर रखना। उधर श्री परीक्षित जी महाराज भी इस कथा में ऐसे खो गए हैं कि उनको ये भी भान नहीं रहा कि मेरा अब आगे क्या होने वाला है। जो ठाकुर जी की कथा में अपना मन लगा लेता है, उसकी सारी चिंताओं को प्रभु हर लेते हैं। आज श्री परीक्षित जी महाराज भूल चुके हैं कि 7 दिन बाद क्या होने वाला है। इसीलिए बार बार निवेदन करते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, मेरे को ठाकुर जी की और लीलाएं सुनाइए, और लीलाएं सुनाइए। मेरा और मन करता है कि श्री कृष्ण प्रभु की लीलाएं सुनता रहूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह अध्याय, यह प्रसंग मनुष्य को साफ बताता है कि जिसको भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिल गई, समझ लेना कि ठाकुर जी की आपके ऊपर पूर्ण कृपा है। ठाकुर जी की नजरों
में आप आ चुके हैं और आपका ये अंतिम जीवन है। इसके बाद आपको 84 लाख योनियों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आप सीधा प्रभु के धाम में जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिसको सुनने को मिल गई उससे बढ़कर उस मनुष्य के लिए, उस जीवात्मा के लिए और कोई बात हो नहीं सकती। उस मनुष्य को दोबारा इस संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए कथा अगर सुननी है तो मन लगा कर सुने और पूरी कथा सुने। पूरी कथा सुनने से ही पूरा फल मिलता है। और ठाकुर जी जब अमृत बांट रहे हो तो पूरा अमृत लेना चाहिए, लेकिन कथा सुनने के साथ साथ ही इस बात की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि संसार से मोह टूटता जाए। संसार से मोह टूटेगा और त्याग भावना मन में होगी तो कथा का पूरा असर होगा। दोनों काम साथ चलने चाहिए। कथा तो अपना असर करेगी ही। कथा सुनने से संसार से मोह टूटता है, लेकिन साथ में अपनी सोच भी यही रखनी चाहिए कि संसार से एक ना एक दिन तो जाना है। इस संसार को छोड़कर हमें जाना है। स्त्री पुत्र, पति पत्नी, सारा परिवार, सब कारोबार, पूरा संसार हम छोड़कर चले जाएंगे। साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जो साथ जाता है वो प्रभु का नाम है। ये पता सबको है। इस कलयुग में ये सबको पता है कि साथ कुछ जाने वाला नहीं है, परमात्मा का नाम ही साथ जाता है। किंतु कलयुग का ऐसा असर आ चुका है आज हमारे जीवन में कि उस प्रभु को, उस परमात्मा को याद करने में हमें सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। हमारा मन ही चाहकर भी भगवान की भक्ति में नहीं लगता। सभी लोग यही कहते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, क्या करें। तो उपाय तो एक ही है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। इस कथा को आप सुनेंगे तो जीवन में परिवर्तन होगा और भगवान के नाम का जाप करते रहो। भगवान के जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, ठाकुर जी का वही नाम बार बार याद करते रहो। सदा उस नाम को लेते रहो, प्रेम भावना से, श्रद्धा भावना से उस नाम को बार बार याद करो। भूल जाओ फिर याद करो। इस तरह से ठाकुर जी देख लेंगे कि यह भक्त मेरी तरफ आना चाहता है। फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे और हमें सदा भगवान की याद आती रहेगी। इसी में तो जीवन सफलता है कि हमें सदा भगवान की याद रहे। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को यही बार बार कह रहे हैं कि हरि चरणों में मन लगाओ, इस कथा को सुनो और छोड़ दो चिंता कि 7 दिन बाद क्या होने वाला है। तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। वह कन्हैया, वह राधे कृष्ण भगवान तुम्हें मोक्ष देंगे, इस बात पर आज विश्वास कर लो। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।